एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको महान हिमालय के बारे में बता दिया था, उनके बारे में जितने उसके बारे में जितने भी जुड़े हुए उसके तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि जो उच्च श्रेणियां हैं वहाँ की महान हिमालय की या फिर पूरे हिमालय की और पूरे विश्व की लगभग 10 जो ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है, वो पिछली वीडियो में हो गया था। अब इस वीडियो में मैं आपको मध्य हिमालय या उसको लघु हिमालय भी कहते हैं, जो मैंने थर्ड पार्ट बताया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो थर्ड था हमारा, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वाले हिमालय के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय सभी हिमालयों में, ट्रांस हिमालय को छोड़कर सभी हिमालयों में सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इस कारण क्या होता है कि महान हिमालय में वर्ष भर बर्फ जमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर साइड है, ठीक है, ज्यादा ध्रुवीय क्षेत्र में आ जाता है ये, तो वर्ष भर यहाँ पर क्या बर्फ जमी होती है। बर्फ जमने से क्या होता है, यहाँ पे वनस्पतियां, घास, ये सब के मैदान नहीं पाए जाते। अब बर्फ में क्या उगेगा, जब उसको खाली स्थान मिलेगा, पेड़ पौधे और जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे उसको खाली स्थान मिलेगा, ठीक है, उसको प्रॉपर मिट्टी मिलेगी। अब महान हिमालय में तो वर्ष भर केवल बर्फ जमी होती है, ठीक है, ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो यहाँ पर क्या है, वनस्पतियां नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब हम उसके थोड़ा दक्षिणी सिरे में आते हैं, महान हिमालय से जब हम थोड़ा दक्षिणी भाग में आते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ठीक है, जब हम इसके थोड़ा दक्षिणी भाग में आते हैं तो यहाँ पर भी बर्फ जमी होती है, ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा, महान हिमालय की अपेक्षा, मध्य हिमालय में बर्फ थोड़ा कम होती है। इसके अलावा क्या होता है, बर्फ ठंडियों में तो अच्छी खासी बर्फ जमी होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही गर्मियों का महीना आता है, वैसे ही यहाँ की जो बर्फ होती है ना, ये पिघलने लगती है। मध्य हिमालय की बर्फ जो होती है ये पिघलने लगती है, ओके। क्या होता है, जब ये पिघल जाती है, पिघलने के पश्चात यहाँ पे बहुत ही एकदम कोमल से ग्रीन घास बहुत ज्यादा उगाती है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, मैदान का विकास हो जाता है, बहुत से मैदान यहाँ पे बन जाते हैं घास के। इसके अलावा क्या होता है, जितने भी आप स्वास्थ्यवर्धक स्थान सुने होंगे ना, चाहे वो शिमला हो, बहुत ही अच्छी जगह है, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो नैनीताल हो, जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान है ना, जहाँ पे हम जाके बहुत ही आनंद उठाते हैं, ये सारे स्थान मध्य हिमालय में ही है, ये सारे स्थान मध्य हिमालय में ही है, ठीक है, ये महान हिमालय में नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे तो साल भर बर्फ जमी होगी, तो यहाँ पे कहाँ से हम केवल बर्फ का ही आनंद ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है और बहुत सी घास के मैदान और वनस्पतियां यहाँ पर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी श्रेणियों की बात करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि जो हिमालय है, हिमालय पश्चिम की ओर से शुरू होके जब ये पूर्व की ओर जाता है तो ये सकरा होता हुआ चला जाता है, ये पूर्व की ओर अधिक सकरा है क्योंकि दबाव बल बढ़ रहा है, ठीक है, दबाव बल के बढ़ने के चलते क्या हो रहा है, ये सकरा हो रहा है और सकरे होने के साथ साथ ये ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है, यहाँ का भाग क्या है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हो रहा है इसकी अपेक्षा, इसलिए जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां आप देखे होंगे, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब ज्यादातर चोटियां आपको पूर्वी हिमालय के हिस्से में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसका जो ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग नेपाल तक है, ये नेपाल तक है, फिर आगे जाके ये ना सकरा होते होते ये आगे जाके ये तीनों जो है ये लगभग सकरे होके मिल से जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसके सबसे पश्चिमी सिरे की बात करें, ये जो मध्य हिमालय है ये लगातार ना होकर श्रेणियों के रूप में पाया जाता है, लगातार नहीं, जैसे ये महान हिमालय लगातार था वैसे ही मध्य हिमालय लगातार ना होकर श्रेणियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम मध्य हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी की बात करें, ये देखिए सबसे पश्चिमी श्रेणी आपको दिख रही है, ये इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। अगर हम मध्य हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी की बात करें तो ये है पीर पंजाल श्रेणी। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछेगा कि पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है,
ऑप्शन होगा शिवालिक का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। तो किसका हिस्सा है ये? मध्य हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल श्रेणी। अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये जो श्रेणी है ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर का भाग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसी एरिया में पीर पंजाल श्रेणी क्या है, विस्तृत है। तो अगर हम देखें तो ये पीर पंजाल कहाँ पे है, कश्मीर में, ओके। फिर देखिए पश्चिमी हो गई, सबसे पश्चिमी श्रेणी। फिर अगर हम आगे चलते हैं, ये देखिए अगर हम आगे चले, ये जो श्रेणी दिख रही है इसका नाम है धौलाधर श्रेणी, इसका नाम है धौलाधर श्रेणी, इसे कहते हैं धौलाधर श्रेणी, ठीक है। जैसे पीर पंजाल कश्मीर में स्थित थी, जम्मू कश्मीर राज्य में थी, वैसे ही ये जो धौलाधर श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये श्रेणी, मुख्यतः विस्तृत है, ठीक है। तो धौलाधर श्रेणी को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल श्रेणी, ओके। फिर ये हो गया जम्मू कश्मीर से आए हिमाचल, हिमाचल से अब आगे आते हैं, ये आपको एक छोटी सी श्रेणी दिख रही होगी, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे, ये उत्तराखंड में, और इसका नाम है, इसका नाम है मसूरी श्रेणी। उत्तराखंड मसूरी एक स्थान है, इसका नाम है मसूरी श्रेणी, ठीक है। मतलब मुख्यतः भारत में स्थित जो श्रेणियां है मध्य हिमालय की वो है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये है मसूरी श्रेणी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये नेपाल, ये नेपाल देश आ जाता है, नेपाल में है महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, मुख्यतः श्रेणी यही तक है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटिब्बा श्रेणी। फिर आगे ये जाकर, ये जो मध्य हिमालय ये जाकर क्या हो जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, सकरा होता चला जाता है, ये हो गया। फिर अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें, ठीक है, हम पीर पंजाल श्रेणी में सबसे पहले आते हैं, पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये है जम्मू, ये पॉइंट है जम्मू। आप जाते होंगे वैष्णो देवी माता के मंदिर, जाते हैं कभी, गए नहीं गए हैं तो जरूर एक बार जाइएगा। वैष्णो देवी माता का मंदिर ये जम्मू में ही स्थित है, वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू में ही स्थित है, और जम्मू कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर ये पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित एक दर्रा है, ये दर्रा, ठीक है। इस दर्रे का क्या नाम है, ये दर्रा है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन पूछता है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो कहां पर स्थित है ये, किस श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में, और अगर राज्य की बात की जाए तो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर राज्य में, ओके। जब आप वैष्णो देवी माता मंदिर या जम्मू कश्मीर से होते हुए बनिहाल दर्रे से गुजरकर आप जाओगे तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपको रेड कलर से, ये है कश्मीर घाटी। घाटी क्या है, जो महान हिमालय है, ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय और मध्य या लघु हिमालय के बीच कुछ खुली घाटियां पाई जाती हैं। जैसे अगर ये महान हिमालय है ये, ठीक है, ये लघु हिमालय, ये जो घाटियां पाई जाती हैं ये कुछ खुली हुई घाटियां पाई जाती हैं। इन्हीं के उदाहरण क्या है, एक ये आपको दिख रहा होगा कश्मीर घाटी, फिर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे है कुल्लू कांगड़ा घाटी, फिर हम आगे चलेंगे तो ये है काठमांडू की घाटी, ओके। तो ये घाटी से आप कभी भी अगर घाटी शब्द आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ खुली घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं के उदाहरण है ये। तो मैं आपको बता रही थी जब हम जम्मू से वैष्णो देवी माता के मंदिर से बनिहाल दर्रा होते हुए जब हम कश्मीर घाटी में आएंगे तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी कश्मीर घाटी पर ही स्थित है, ठीक है। जम्मू यहाँ पर है और कश्मीर घाटी कहाँ पे है,
ये है। और जम्मू श्रीनगर किस में स्थित है? कश्मीर घाटी पर ही स्थित है, और यहीं पर श्रीनगर डल झील के किनारे है। ठीक है, तो श्रीनगर डल झील के किनारे है, तो डल झील भी कहाँ होगा? कश्मीर घाटी में होगा। इसके साथ साथ वुलर झील, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील, वो भी कश्मीर घाटी में ही स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कश्मीर घाटी के बारे में, अभी एमपीपीसीएस 2016 के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर घाटी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये? ये महान हिमालय है, महान हिमालय, और ये मध्य हिमालय है। तो अगर ऑप्शन में होगा महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, तो वो सही होगा। और अगर मध्य हिमालय का अलग अलग से आपको स्टेडिया बता दिया है कि पीर पंजाल, महान हिमालय या पीर पंजाल, ऑप्शन सेकंड महान हिमालय या धौलाधर, तो आपका आंसर क्या होगा? महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य क्या है? कश्मीर घाटी है। अगर श्रीनगर आता है कि श्रीनगर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर घाटी में ही स्थित है। चाहे वो डल झील हो, चाहे वो वुलर झील हो, ये तीनों चीजें कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। फिर ये जो मैंने आपको बनिहाल दर्रा बताया था, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में ही एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। यहां पर क्या है? जवाहर सुरंग, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, तो अगर दर्रा पूछेगा तो वो है बनिहाल दर्रा। अगर ये पूछता है कि जवाहर सुरंग किस श्रेणी पर स्थित है, तो किस श्रेणी पर स्थित है? ये है पीर पंजाल श्रेणी। अगर ये पूछता है कि जवाहर सुरंग किस हिमालय का हिस्सा है, किस हिमालय में स्थित है, महान की मध्य, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य हिमालय। इसी जवाहर सुरंग में एक नेशनल हाईवे गुजरता है, यहीं से इस दर्रे से ही एक नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका उस नेशनल हाईवे का नाम है NH1A। कहाँ पे है ये? ये पीर पंजाल में, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ही मध्य हिमालय में, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम आने के साथ ही क्या होता है, मध्य हिमालय में जो जमी बर्फ होती है, जो मध्य हिमालय में जमी बर्फ होती है वो पिघल जाती है। पिघलने के साथ साथ वहां पर बहुत ही सुंदर छोटे छोटे, सॉरी छोटे नहीं होते, लंबे लंबे ग्रीन कलर के एकदम घास के मैदान उगाते हैं, एकदम सॉफ्ट से होते हैं वो, बहुत ही मजा आता है वहां पे जाके। तो जो ये घास के मैदान उग जाते हैं, ये मध्य हिमालय में उगते हैं। और कहाँ पर उगते हैं? मध्य हिमालय में भी। ये जो ढाल होते हैं ना मध्य हिमालय के, जैसे मान लेते हैं ये हिमालय है, तो ये तो इसकी चोटी हो गई, शिखर हो गया, इसका ये जो ढाल है ना, यहाँ पर ये बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है, और यहीं पे ये घास उगते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके ढालों पे जो घास उगते हैं, उन घास को, उन घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। उसी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। मर्ग, यहाँ पे मर्ग का उदाहरण क्या हो सकता है? आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छी जगह है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? ये वास्तव में ये घास के मैदान है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो, जब जैसे ही बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने के दौरान, उसके बाद में, बर्फ के पिघलने के बाद वहां पर बहुत ही सुंदर घास के मैदान हो जाते हैं, उन मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। और मर्ग, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये जो श्रेणी है, यहाँ यहीं पे घास के मैदान होते हैं, यहीं पे इसे कहते हैं मर्ग। और मर्ग का क्या उदाहरण है? सोनमर्ग और गुलमर्ग, मतलब सोनमर्ग नामक जगह और गुलमर्ग नामक जगह कहाँ पे है? मध्य हिमालय या पीर पंजाल में है, ठीक है। इसे कहते थे कश्मीर में मर्ग। और उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में उन्हीं घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल या पयाल। बुग्याल या पयाल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उत्तराखंड में उन्हीं घास के मैदान को, आप लिख लेंगे सारी चीजें, उत्तराखंड में उन्हीं घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल या पयाल, बुग्याल या पयाल, ठीक है, ये हो गया। आगे होगा आपको समझ में। फिर हमने पीर पंजाल पढ़ लिया, अब पीर पंजाल के बाद चलते हैं, ठीक है, और पूर्व में चलते हैं।
अब हम आते हैं धौलाधर श्रेणी, इसे क्या कहते थे, धौलाधर श्रेणी। और चूंकि ये श्रेणी कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इस कारण इसे हम क्या कहते थे, एक और नाम से किसे जानते थे, हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते थे। हिमाचल श्रेणी में आपको यहाँ पे एक जगह दिखेगी, ठीक है, ये है हिमाचल, ठीक है, यहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, बहुत ही अच्छी जगह है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आपने मनाली नाम सुना होगा, डलहौजी नाम सुना होगा, ये सारी जो जगह है शिमला मनाली डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में ये कभी ना कभी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि डलहौजी कहाँ पर स्थित है, या राज्य का नाम दे देगा आपको, या तो फिर आपको श्रेणियों का नाम दे देगा, तो आपको सुमेलित करना होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे और याद करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला मनाली डलहौजी, ये स्थान कहाँ पर स्थित है, धौलाधर श्रेणी में। अगर धौलाधर श्रेणी ऑप्शन में नहीं होता तो मध्य हिमालय ऑप्शन में जरूर होगा। तो ये सारी चीजें मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर आपको ये धौलाधर श्रेणी के ऊपर, धौलाधर श्रेणी के ऊपर एक घाटी नजर आ रही होगी। घाटी मैंने बताया था महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अत्यंत चौड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको घाटी दिख रही होगी, ये इस घाटी का क्या नाम है, इस घाटी का नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। नाम सुना होगा आपने, कुल्लू कांगड़ा घाटी। अगर ये पूछता है कि कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो हिमालयों या किन दो भागों के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी। महान हिमालय, धौलाधर श्रेणी, अगर धौलाधर श्रेणी नहीं आता है तो मध्य हिमालय जरूर आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये घाटी हो गई और ये हिमाचल प्रदेश की जगह हो गई, स्थान हो गए, ठीक है। अब ये पीर पंजाल, धौलाधर। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में जो श्रेणी है, ये मैंने बताया था, उत्तराखंड में जो श्रेणी है इसे कहते हैं मसूरी श्रेणी। इसे क्या कहते हैं, मसूरी श्रेणी। ये जो मसूरी श्रेणी है, यहां पर बहुत से स्थान है उत्तराखंड में, मसूरी श्रेणी में बहुत से स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। ये कौन कौन से है देखिए, मसूरी, मसूरी, विंडसर, विंडसर, रानीखेत, नैनीताल। रानीखेत आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी जरूर देखी होगी, वहां पे जो एक्ट्रेस है वो रानीखेत जाती है, वो यही वाला रानीखेत है। कहाँ वाला, ये उत्तराखंड में जो स्थित है मसूरी श्रेणी पे जो रानीखेत स्थित है ना, ये वही वाला रानीखेत है। ये विंडसर, विंडसर एक जगह ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ये एग्जाम में अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, विंडसर पूछा जाता है, फिर रानीखेत, रानीखेत के बाद क्या है, नैनीताल। नैनीताल का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी जो जगह है, ये जो स्थान है सारे, ये है उत्तराखंड में। आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है, डलहौजी दे देगा और मसूरी दे देगा, रानीखेत दे देगा, नैनीताल दे देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा स्थान हिमाचल में स्थित है, तो आपको वहां पे क्या होगा, छाटना होगा। तो कौन सा स्थान, डलहौजी हिमाचल में स्थित है। ऐसे ही सारे जो स्थान है वो आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये उत्तराखंड के हो गए ये, ठीक है, मसूरी श्रेणी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, महाभारत श्रेणी आती है नेपाल में। इसके बारे में इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मुख्यतः जो जानने की चीजें थी वो यहीं से और यहाँ तक की चीजें थी, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक की चीजें थी, ठीक है। महाभारत श्रेणी की बात आती है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी के ही उत्तर में है काठमांडू घाटी। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उसी के नाम पे वहां की घाटी का नामकरण किया गया, तो ये है काठमांडू घाटी। तो अगर पूछा जाता है कि काठमांडू घाटी स्थित है, तो अगर ऑप्शन में होगा महान हिमालय और लघु हिमालय, तो वो सही होगा, और अगर ये ऑप्शन में होता है कि महान हिमालय और नाग टिब्बा श्रेणी, तो ये सही होगा, ठीक है। तो काठमांडू घाटी कहाँ है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। फिर आगे जाके ये जब सिक्किम में जाती है, सिक्किम में एक और घाटी है, ये है, इसका नाम है, सिक्किम में जो घाटी है इसका नाम है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी मतलब चुंबी घाटी भी कहाँ पे है, मध्य हिमालय और
मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य में ही स्थित है। फिर आगे जाके ये जो श्रेणियां हैं ये आपस में मिल जाती है। आगे जाके इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो मध्य हिमालय के पश्चिमी सिरे पे ही थी, चाहे वो पीर पंजाल श्रेणी हो, चाहे वो धौलाधर श्रेणी हो, चाहे वो मसूरी श्रेणी हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, इसमें इतना ही जानना काफी है आपका। ये सारी चीजें, एक एक चीज जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उनमें से एक एक चीज आप नोट करके उसको आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद उसको बार बार आप उसको रिवाइज करते रहिए। और इन्हीं में से ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती है हिमालय से वो यही इन स्थानों के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस पर्वत पर स्थित है। तो ये हो गया आपका मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय के बाद मैं अगले वीडियो में आपको शिवालिक श्रेणियों के बारे में बता दूंगी। शिवालिक श्रेणी के खत्म होते ही आपका ये हिमालय लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। लगभग क्या, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके दक्षिण के पठार में चलूंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।